आंख बनती है वो बन के टूट जाती है। जिसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, जिसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, और संसार में ये एक माँ ऐसी है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। यह हो माँ, तुझसे बढ़कर कोई जवाब नहीं, तूने दुनिया में सबकी झोली भरी है माँ, तेरी रहमत का कुछ हिस्सा। और आइए सबका सुना हुआ भजन जो स्वर्गीय आदरणीय चंचल जी का गाया हुआ उनके कदम से निकला, और कहते हैं कि भगवती के जागरण में माँ के दरबार में अगर ये भजन ना हो तो बड़ा सुना सुना लगता है।
अपने आप प्यारों का Thank you.
हंसते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मान के तेरे घुमा से जो नाला वो पार है। चलो चलो ऐसे नहीं, ये माँ का दरबार है, सच्चा दरबार है, जिसने भी दिल से याद किया है उसका बेटा। जय सुनो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। नगर एक दुखियारी माँ रो के चिल्ला के कह रही है कि हे माँ तू जगत जननी है तो मैं भी एक माँ हूँ। अरे मैं भी तो एक माँ हूँ माता, हर माँ ही माँ को पहचाने और बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने। उसका फूल मैं देखूँ कैसे जिसका दूध पीना है। लीजिए भजन हो गया पूरा, अब तो ताली बजा के कहना है, क्या कहना है। चलो बुलावा आया है, अपने बुलाया है, अपने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, अपने बुलाया है, अपने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सरिता भार्गव जी से, जिनका माल्यार्पण करेंगी श्री श्रीमती सुषमा सेठिया जी। आप शॉल ओढ़ाकर सम्मान करेंगी श्रीमती सरिता भार्गव। आज इनका 75वां जन्मदिन भी है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई पूरे मंडल की ओर से आंटी जी। अंकुर जी, रामबाबू जी और कपिल जी, आप तक अब हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं पिछले एक घंटे से आपका आवाज लगा रहा हूं, आप आ गए। आप विधायक महोदय का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। अब मैं अगले कलाकार ऋतु पांचाल, आप यूपी हाथरस से पधारी हैं हमारे बीच, क्षमा चाहूंगा दिल्ली से पधारी हैं। ये कलाकार बीच में है, कार्यकर्ताओं से निवेदन उन्हें थोड़ा स्थान दें भवन तक जाने के लिए। जो लोग खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर पुनः विनती, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माँ भगवती आज ज्वाला माता से खुद चलकर आई हैं।
मंडल द्वारा विशेष अलवर वासियों के लिए सौगात कि ज्वाला माता की ज्योत यहाँ लाई गई, उसी ज्वाला माता की ज्योत से माँ भगवती की ज्योत प्रचंड की गई है जो आज आपके समक्ष चल रही है। एक और सूचना आप सभी के लिए, कल व्यापार मंडल होप सर्कस व्यापार मंडल व होप सर्कस मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा आपके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। 11 बजे आप सभी सहमत आमंत्रित हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडल आपको अच्छे अच्छे कलाकारों से संपूर्ण रात्रि रूबरू कराता रहेगा और अच्छी अच्छी झांकी भी मंडल द्वारा की जाएंगी। आप अपना स्थान बनाए रखें। अब सभी की इंतजार की घड़ियां समाप्त, दिल्ली से पधारी हमारे बीच ऋतु पांचा। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ सीधे दिखाएंगे जिनको नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही तो आवाज में दम रखिए, माँ के दरबार में बैठे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए मैया के प्यार की। भक्त तो कहते हैं कि कर्म कहो किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले ये प्रारब्ध बना फिर ये शकल शरीर, और कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, और जैसी क्या की भावना वैसा फल देते। किस भाव से बैठिएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए भक्तों चलते हैं माँ के चरणों में, आपकी करुणा पुकार माँ के चरणों तक पहुंचाते हुए हमारे बीच ऋतु पंचाल। Thank you.
पल भर करूं विश्राम और ब्रज रज मुख में डाल के
सब बोलो राधे प्रेम से कहिएगा सच्चे दरबार की माँ के प्यार की और जितने भी भक्त खड़े हैं अगर आप भी जयकारा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। सभी भक्त आए हैं, भक्त बनकर के आए हैं क्योंकि इस दरबार में आकर भी आप जयकारा नहीं लगाओगे, इस दरबार में आकर भी जयकारा नहीं लगाओगे, वो माँ भगवती सुनती है, वो आपको देख रही है क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को माँ का नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। और ये फीकी फीकी तालियां नहीं बजानी, अगर बात अच्छी लगे तो तालियां जोर से होनी चाहिए। और आइए चलते हैं माता रानी के दरबार में। ईमानदारी से हाथ खड़े वो करो जिसको माता रानी का दरबार सुंदर लग रहा है, सभी को लग रहा है। जोरदार तालियां बज रही, जोरदार तालियां, और कहना मेरे साथ में एक बार गाना। वो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, वो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, वो तेरे भक्तों की, वो तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है बड़ा नारा सजा है तेरा द्वार, बड़ा नारा सजा है। आप नहीं भूलेंगे, देखो इसके दरबार में आओ। एक बात याद रखना कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं। जब आए मुसीबत का वक्त तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, तो दुनिया की परवाह ना करते हुए आज इसके दरबार में बैठे, छोड़ दो अपने घर की चिंता, इसके दरबार में आए हो तो इसी का ध्यान रखो। एक बड़ी बुलंद आवाज में बोलो, उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ और तालियां बजनी चाहिए आपकी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा, बड़ा प्यारा सजा है तेरा, अगर लग रहा है एक भी हाथ नीचे नहीं रहे, उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, तालियां बजनी चाहिए। तो आप भी आए हो, अपने घर का काम छोड़कर आए हो, क्यों आए हो?
अब घर की चुगलियां छोड़ दो, इसके दरबार में बैठो तो इसी का ध्यान रखो। बड़ा न्यारा सजा है तेरा दार भवानी, तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की नगी है। बड़ा न्यारा सजा है तेरा, लग रहा है नहीं लग रहा सुंदर, किस किस का लग रहा है मां का दरबार? ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लेना, अपने तालियां बजाकर अंदर ताले कसी सुना देना, आज मां को अपने हाथों की तालियां कि मां हम भी भाव रखते हैं, जरा एक साथ ताली लगा दे। दो एक दो तीन Thank you.
सुना है लेकिन फिर भी अभी कुछ भक्त है चुपनबस्ती कर रहे हैं। देखो मैं सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं कि मैं 9 साल की थी 8 साल की थी जब से गाने लगी हूँ, और माता रानी की इतनी कृपा है कि जब शुरू किया तो किसी से सीखा नहीं था। माता रानी ने इतनी कृपा की, मैंने ये भजन सुनकर गाना शुरू किया, उसकी कृपा है आज मैं गा रही हूँ। उसने इतना लायक बनाया है आपके साथ माता रानी की सेवा कर रही हूँ। तो जो जो भक्त आए हैं, जो जो माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, एक बारी दोनों हाथ उठाइएगा, और जिनको भजन आता वो गाना। देखो ये वो माँ है कि तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, शब्द सुनिएगा और समझ में आए तो तालियां जरूर बजाना, कि तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही ठहरी तेरे कर्म का क्या ठिकाना, मुझे इस बात का गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल ना जाना। जो जो आज माँ को अपने साथ लेके जाएंगे, माँ का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, एक बार याद हो सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार
ज़्यादा नहीं कहूँगी, नहीं तो बोलेंगे बार बार मैं हाथ उठवाती है। मुझे एक बार ही बता दो कि माता रानी से सच्चा प्रेम कौन करता है। अच्छा, सभी करते हैं, ईमानदारी से बोलो, करते हो? हाँ तो बोलो, करते हो? सच्चे वाला, नाचने वाला कौन कौन करता है? एक बार जोरदार ताली बजाए अलवर के बाद सुनते हुए। देखो माता रानी के सच्चे भक्त बैठे हुए, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि शुरू में ही माता रानी का इतना जोश हो। जो जो माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाना चाहता है, माँ का दरबार जिसको सच्चा लगता है वो गाना। सच्चा है माँ का दरबार, जो लोग खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती, कृपया महिलाओं से थोड़ा पीछे हो जाएं, वो थोड़ा पीछे बनाएं, दूरी बनाएं, हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा भाई साहब, ऋतु पंचाल जी गा रही है, ये आने जाने इसी को मसलून बिगड़ जाता है, ये आने जाने इसी को मसलून बिगड़ जाता है, और बात करने से भजनों का आनंद नहीं, इसलिए सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। भैया हमारे आदरणीय भैया, ये आपसे यही कहना चाहते कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी पूरी रात माता रानी का कीर्तन चलेगा, तो जो आ जा रहे हैं माता जी, है ना? हाँ जी, जय माता दी, बैठिए बैठ जाइए। हाँ अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, दर्शन तो आपको माता रानी के यहाँ से भी हो रहे हैं, हो रहे या नहीं हो रहे हैं, हो रहे या नहीं हो रहे हैं? ये आगे वाले भक्त बड़े जोश में हैं, पीछे वाले नहीं हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रोक रही हूँ, थोड़ा सा रोक लीजिए ताकि मैं भी आगे चली जाऊँ। हाँ जी, एक बार आप भी बोल दो, सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। देखो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मैं जो गा रही हूँ भजन वो भी गाना है। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं, बोलो सच्चा है। सच्चा है भैया, कहाँ देख रहे हो माता रानी को? एक बार इस भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। अभी थोड़ी देर फोन रख लीजिएगा, क्योंकि ये आएगा यूट्यूब पर आएगा, ये भजन का आनंद लीजिए ना। अरे सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब, सच्चा है माँ का दरबार।
देखो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई ना, आप भी बैठ जाओ। मैया आप इधर आ जाओ, हे मैया बैठ जाओ, इन माता के पास बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, फिर भी आप जितना हो सके बैठ जाओ। अरे भैया बैठ जाओ, ये सफेद टी शर्ट वाले भैया आपको ही बोल रहे हैं। सच्चा है मौका दरबार मैया का, मैया मेरी नाम कट पाओगे क्या? मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ से 200-250 किलोमीटर पड़ता है ना। और आप अलवर की अलवर में होकर बोल नहीं रहे हो, एक बारी बोल दो ना मेरे लिए बोल दो। सच्चा है मौका दरबार मैया का, अरे सच्चा है मौका दरबार। उठाओ जरा तीन हाथ, जिनको मैया का दरबार सुंदर लग रहा है वो गाना सच्चा है मौका दरबार मैया का। Oh,
सीजन क्या हो गया, माता रानी आई है, बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। इतनी सुंदर व्यवस्था खराब ना करे भैया, प्लीज प्लीज। ये नीले वाले बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। ब्रह्मे किनारत की वीणा, बंसी ने जादू कीना, व्यवस्था बनाए, क्योंकि मंडल वाले बहुत मेहनत करते हैं। और अभी भी देखो कितना लग रहे हैं आपकी सेवा में कि आपको तकलीफ ना हो। एक बार जोरदार ताली हमारे मंडल के लिए बजाएं, जोरदार ताली। आपसे आप जो मिलती है भैया लोग, आप फिर आगे आ जाते हो, पीछे हो जाइए। आप लोगों के विश्वास पर मंडल इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आपसे रूबरू करा रहा है। आप लोग व्यवस्था बनाए रखें, प्लीज आप दूर हो जाइए। ये जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। ये मंडल के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, आप लोग भी बैठ जाएं। उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पीछे, वो इसलिए खड़े हो जाते हैं। आप लोग बैठ जाएं। अच्छा, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की। और आइए कहिएगा, माँ अब इसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा भवन माँ। अच्छा, इनको बिठा दूँ क्या भैया, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो भैया, बस शांति शांति। किसने सजाया तेरा भवन, इधर तो शेर बैठे हैं, इधर शेर बैठे हैं भाई, मैंने देख लिया। सच्चे दरबार की एक बार यहाँ बोल दो, किसने सजाया तेरा भवन, किसने बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। आवाज नहीं आई, फिर से कंजूसी कर रहे हो। बड़ा प्यारा लागे, क्या हो गया, तो बोलते क्यों नहीं हो, बोल क्यों नहीं रहे हो भैया, माँ के दरबार में बैठे हो। अच्छा, सुन नहीं रहा। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, आ गया, एक भी गाओ। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। अब जो जिसको समझ में आया वो उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, जिसको भजन समझ में आया है वो उठाओ जरा जरा हाथ, और मिल करके गाओ। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। Thank you.
क्या कहना है? हाथों की मेहंदी, हाथों की मेहंदी, हाथों की मेहंदी, नहीं तो है इतना शर्मा रही है। हाथों की मेहंदी, अभी तो पति बिल्कुल ही चली गई। हाथों की मेहंदी किसने रचाई, ये सुंदर मूरत भैया जी किसने सजाई, भैया जी हाथों की मेहंदी भैया जी किसने रचाई, भैया जी ये सुंदर मूरत भैया जी किसने सजाई। उठा देना क्योंकि इसके दरबार में आए हो, कहते अगर भाव ना हो
भावना हो तो भावना बेकार है, अगर भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो भवसे बेड़ा भवसे बेड़ा बोलो बड़ा प्यार भंडारा कराऊंगी, बेटे का ब्याह हो जाएगा तो भंडारा कराऊंगी, वो भंडारे तक की बात रहे।
रह जाती, आगे नहीं बढ़ते कभी। तो रोज मांगने की आदत तू छोड़ दे, रोज रोज मांगने की आदत तू छोड़ दे, अपनी जीवन नैया तू मैया पे छोड़ दे। जिसे चाहिए तो जिसे चाहिए तो हाथ भजन सुनना चाहते हैं,
माता रानी का तो गा ही रहे हैं, श्याम बाबा का, लांगुरिया भी सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, और श्याम बाबा को सुनना चाहते हैं तो श्याम बाबा का, तो जो सुनना चाहते हैं श्याम बाबा का, इनकी तरह थोड़ा हल्ला कर दिया करो भाई, जो सुनना चाहते हैं फिर बुलंद आवाज में बाबा का जयकार होना चाहिए। बाबा श्याम के चरणों में, उसके बाद फिर माता रानी के चरणों में। अच्छा, ये मैया जो हैं इनके हस्बैंड हैं, इनके पति देव जी एक बार, हमारे भाई साहब जी एक बार दरबार में आ जाएं। आ गए हैं? अच्छा, अरे बाबा यही है सच्चे दरबार की, बोली माँ के प्यार की, खाटू नरेश की। आइए, यहाँ से कितने भक्त हैं जो खाटू गए हैं? सभी गए हैं, क्या बात, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करो प्रणाम। लेकिन इतनी बात याद रखिए, जो खाटू धाम गए हैं, मैं कहा खाटू श्याम एक बार देखा है, मैं 8 साल की तब से जा रही हूँ हर महीने। हाँ, खाटू नरेश की जो जा रहे हैं उनको एक बात सचेत करना चाहती हूँ। भगत तुम मत जइयो, अरे मत जइयो, मत जइयो दरबार, क्यों वहां पर बैठा है, बैठा है अरे जादूगर सरकार, तू बन के बावरा जीवन भर खाटू में डोलेगा। जो सुनना चाहते हैं उठाओ सीधे सीधे हाथ, एक बारी बुलंद आवाज में जयकार लगाओ, बोल खाटू नरेश की। इधर से भी माता है मैंने, बोल खाटू नरेश की। तू बन के बावरा जीवन भर खाटू में डोलेगा, तू बन के बावरा जीवन भर खाटू में डोलेगा, मेरे शाम का जादू है सल चढ़ कर बोलेगा।
बड़ी मुश्किल से आंखें चार करता, उसके बाद ये आगे आगे और तू पीछे पीछे दौड़ेगा, ये आगे आगे और तू पीछे पीछे दौड़ेगा। जो शाम के दीवाने बैठे जबरदस्ती नहीं है, जो शाम के दीवाने बैठे उठा दे, उठा देना जरा दोनों हाथ, फिर जरा देना कहना मेरे शाम का जादू है। Thank you.
अच्छा बताओ हरियाणवी समझ में आती है? इधर से ही अल्लाह कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी माताएं बहने आप भी तो ये घर में अल्लाह करनी है, इन लोगों को घर में अल्लाह करने की जो है फुर्सत नहीं है। अच्छा, इनको अनुमति नहीं है इसलिए। अंकल जी भी कह रहे हैं ये हल्ला करती है घर में। हाँ अच्छा, आप यहाँ करोगे? घर में नहीं करेंगे, माता के दरबार, माता के दरबार में ही तो है। अच्छा एक बारी कॉम्पिटिशन हो ही जाए, चलो कौन माता की शेर है और कौन माता की शेरनिया है, ठीक है? महिलाएं पहले फर्स्ट होती हैं, तो एक बार इनसे बुलवा ले। जयकारा बोलना है और बुलंद आवाज में बोलना है, मेरे साथ हो ना, उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ पहले तुम जो जो मेरे साथ हैं। महिलाएं, भैया मूंछों वाली महिलाएं नहीं, महिलाएं उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, हाँ, और बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है। बोलो बड़ी सच्ची जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। अब आप बोलेंगे माता की शेर, जो जो माँ का शेर बैठा है उठाओ जरा सीधे सीधे हाथ, जो जो शेर हैं, जो जो शेर हैं वो हाथ खड़े कर लें, ठीक है? आइए फिर बुलंद आवाज में जयकारा लगाना है, तैयार हो? पीछे वाले, पीछे वाले तैयार हो? बड़े सच्चे शेर तो शेर ही रहते हैं। ताली बजाओ इनके लिए, नहीं बजाए? अच्छा अब इन्होंने बोला कि ये शेर है, बहुत खुश हो गए हैं, शेर है, चलो मान लिया आप शेर हो, बब्बर शेर हो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि शेर की सवारी हमेशा शेरावाली माँ ही करती है, तो कोई फर्क नहीं। माँ के दरबार में कैसा संताप है, ये शेर नहीं बता रहा ना आप इनको है? और इनको झांसी की रानी भी कहा है। हाँ जी। माँ के दरबार में ये कैसा संताप है, अगर ये झांसी की रानी है तो हम सब महाराणा प्रताप। अच्छा महाराणा प्रताप को अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो इन्होंने बोल दिया, आपने बोल दिया, आप देखेंगे महाराणा प्रताप कौन है, झांसी की रानी कौन है। एक भाई दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे, सीधे सीधे पीछे वाले को उठा लीजिएगा सीधे सीधे, और एक बार बुलंद आवाज में जयकार लगा दो, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की, सच्ची सरकार की, बोलिए बालाजी महाराज की। और आइए, हाँ भैया क्या हो गई, चप्पल खो गई? अच्छा कोई नहीं, ये चप्पल आज रख के आई है अपने घर में, सच्चे दरबार की, बोली माँ के प्यार की। आइए खाटू नरेश की, बोली लखदाता की, शीश के दानी की। एक भक्त बाबा के दरबार में पहुंच जाता है लेकिन रिंगस तक ही जा पाता है। और बाबा को कहता है कि बाबा इतनी दूर मैं आ गया हूं, अब 17 किलोमीटर आप आ जाओ मेरे लिए। बाबा को कहता है कि बाबा मुझे इस संसार की परवाह नहीं है। अरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, अरे ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, हाथ उठाने की जिसको जरूरत है, आज इसको माता श्याम की जरूरत है, एक ही दरबार
Thank you.
इत्र की खुशबू से थोड़ा सा और बड़ा कर दे, बस इतना ही। हाँ जी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। ओ आ गया मैं से